ABPS News. नमस्कार, मैं आपके साथ मारूफ अली, आपका स्वागत करता हूं ABPS News में। आप मेरे साथ देख रहे हैं अहम खबरें। रामपुर के तहसील बिलासपुर में वन दरोगा बना वन माफिया। वन दरोगा ओम प्रकाश सिंह बिलासपुर रेंज में वन रक्षक पद पर तैनात है। बिलासपुर में ही प्रमोशन हुए लगभग 5 साल हो गए। रवाना बीट में लगभग 20 साल यानी कुल मिलाकर 25 वर्षों से एक ही जगह तैनात है। जंगल में अवैध कटान करवाता है और अवैध पैसों की वसूली करता है। वन दरोगा का कहना है कि मेरी किसी रेंज अधिकारी से नहीं बनती। यह वन रेंज अधिकारी शिकायत करते हैं और राजनीतिक दबाव डलवाते हैं, बाद में फैसला करवाते हैं। वन दरोगा ओम प्रकाश सिंह वन माफियाओं से मिला रहता है। वन माफियाओं से घरेलू संबंध है इसके। इनके द्वारा किए गए कृत्यों की शिकायत अखबारों में निकलती रहती है। वन दरोगा की शिकायत जिला स्तर से लेकर लखनऊ तक की गई, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई वन दरोगा के खिलाफ नहीं हुई है और एक ही जगह वन में तैनात है। उच्च अधिकारियों से इनकी शिकायत फोन पर भी की गई और लिखित सूचना भी दी। इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इनका 3 बार ट्रांसफर हो चुका है, लेकिन यहाँ से नहीं, इनका किसी नियमावली के अनुसार ट्रांसफर रुका हुआ है। इसके लिए कोई नियमावली नहीं है, ये एक राजनीतिक दबाव डलवाते हैं। शिकायतकर्ता गणपत सिंह ने वन दरोगा ओम प्रकाश सिंह के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग उच्च अधिकारियों से की है। वन दरोगा ओम प्रकाश सिंह शिकायतकर्ता को गोली मारने की और झूठे केस में फंसाने की धमकी भी देता है। वन दरोगा के खिलाफ जांच करके कानूनी कार्रवाई की जाए, शिकायतकर्ता गणपत सिंह ने की कानून से मांग। क्या नाम है आपका? गणपत सिंह। आप यहाँ काम करते हैं या वैसे शिकायतकर्ता क्या है आपकी? हाँ, हमारी ये है, काम पूरा होने चाहिए जंगलात में। खुदान आया 55 हेक्टर पूरा करवाया ही नहीं है। खुदान आधे से कम है इसमें, 55,000 गड्ढे होने चाहिए इसमें। ऐसी 20-25 हज़ार गड्ढे हैं, चारों तरफ खाई खुदवा दी है, कोई झाड़ी साफ नहीं करवाई है। अजय, ये जो गड्ढे खुदान का कार्य है, ये किसके अंडर में आया था? ये ओपी सिंह के। ओपी सिंह क्या है यहाँ पर? यहाँ बंदरोगा। बंदरोगा है तो ओपी सिंह को डायरेक्ट चार्ज मिला था या यहाँ जो रेंजर हैं उनके थ्रू मिला था? ये इस बात को हमें पता नहीं था। उन्हें पता होगा, रेंजर साहब को पता होगा या ओपी सिंह को पता होगा, काम नहीं करवाया था ओपी सिंह। तो आपकी क्या कोई पुरानी कोई रंजिश? कोई पुरानी कोई रंजिश नहीं हमारी। तो आप क्या चाहते हैं, जंगल जो है सुरक्षित रहे? हाँ। तो इसमें आपने क्या क्या कमियां देखी वो बताइए आप। ये जंगल भी कटवाते हैं, खैर भी कटवाते हैं, हरी लकड़ी कटवाते हैं, साइकिलों से देते हैं, काम करवाते हैं, उनसे पैसा नहीं लेते हैं और इनके लकड़ी देते हैं उनके बदले में। अच्छा, यो जो मजदूर यहाँ काम करते हैं उनको पैसा नहीं देते? ना, लकड़ी देते हैं उनके लिए, गीली गीली लकड़ी देते हैं। गीली गीली? मोटी लकड़ी पतली लकड़ी? मोटी लकड़ी देते हैं, या अपने क्या करते हैं कुकाड़ वगैरह काट के ले जाते हैं हरी। अच्छा, हरी। अच्छा, दिहाड़ी क्या चल रही है यहाँ पर? दिहाड़ी का गड्ढे का हिसाब मिलता है, गड्ढे को उनका हिसाब नहीं देते हैं। तो आप लोगों को कितना पैसा देते हैं जो है दिन का? दिन का कोई पैसा नहीं देते, काम करवाते हैं दोपहर तक, उसके बाद लकड़ी खाली। यानी कि लकड़ी ले जाओ जितनी ले जानी है या? इतनी ले जानी, साइकिल पर 2 क्विंटल के 5 क्विंटल। अच्छा, 4 क्विंटल ले जाते हैं हरी लकड़ी को। तो इनका मतलब ये है कि ये जो है जंगल को कटवा करके साफ करा रहे हैं। हाँ। यानी कि जंगल में जंगल माफिया बन गए हैं। जंगल माफिया बन गए हैं और 4 गाड़ी पकड़ी हैं, इनका इसमें हाथ है खैर में। अच्छा, ओपी सिंह का हाथ है। 4 गाड़ियां जो पकड़ी गई हैं? हाँ। तो जो पकड़ी गई हैं फिर तो जो है कैसे हाथ है इनका, जरा इसका विस्तार बताइए। ये यहाँ पर रहते हैं, ये मौके पर आते ही नहीं है ये, और अधिकारी पकड़ लेते हैं, अपने वन विभाग वालों ने पकड़ी है, 2 पुलिस वालों ने पकड़ी है। उसमें बाचर भी हैं डेली बीच के और पक्के भी हैं, ये अपने वन दरोगा आते ही नहीं। अच्छा, वन दरोगा जो है किसी को पकड़ने के लिए नहीं आते? ना, इनके पास में जीप है, उसमें एक ड्राइवर रखा है, उसके 15,000 हैं, वो 15,000 भी देते हैं और ये कम से कम 1,000-1,000 रुपये की दारू भी पी जाती हैं। इनके पास कहाँ से पैसा आ रहा है इतना? यानी प्राइवेट गाड़ी रख रखी है इन्होंने? हाँ, प्राइवेट। और ये फर्जी बिल भरते हैं ये लोगों के, ड्राइवरों के फर्जी, अपने रिश्तेदारों के फर्जी बिल कैसे भरते हैं ये बताइए आप जरा। काम करते हैं और ये बिल भरते हैं लोगों का औरों के। यानी कि जो डेली वेज यहाँ पर मजदूर हैं उनका नहीं भरते? तो उनका बिल नहीं भरते? ना, काम करते हैं और
फिर और किसी के भरती हैं, जब पाते उनसे निकलवा खा जाती है अपने रिश्तेदारों से। अच्छा, इनके अपने रिश्तेदारों को लगा रखा है इन्होंने। ऐसे खेड़ों पे हैं, कोई मिलने वाले हैं उसको लकड़ी दे दी, पटेला दे दिया। ऐसे भूड़ पे कोई मिलने वाला है, खेड़े पे है, रंपरे हैं, अपना मुसरमगंज है, ये लोग दारू निकालते हैं उनके खाते में डाल देते हैं ये लोग। अच्छा, दारू जो नदी किनारे बैठ करके निकाल रहे हैं जंगल में। हाँ, जंगल में निकालते हैं, उनके खाते में डाल देते हैं। अच्छा, उनसे निकलवा लेते हैं। हाँ, एक मोहम्मद अहमद है, उसके घर के हैं 15-16 कार्ड, वो मोहम्मद अहमद दे देता है, वो इनके अंडर में रहता है। 15-16 कार्ड का है कि जॉब कार्ड क्या है? खाते नंबर। खाते नंबर है। हाँ, नंबर देते हैं। ये मोहम्मद अहमद कहाँ के हैं? विशाखनगर। विशाखनगर टांडा। तो यहाँ काम करते हैं या वो दिहाड़ी मजदूर है? पहले ये इनका बिल भरे जाते थे, बाचरों में भरा जाता था इनका बिल। अच्छा अच्छा, बाचरों में। हाँ, तो अपने डीएफओ साहब ने नोटिस दे दिया निकालने के लिए, ये गया नहीं है, बंद दरोगा ने रख लिया है इसे। तो अब आप क्या चाहते हैं इसमें? हमें ये चाहते हैं, ये इतने काटने वाले हैं, वन माफिया हैं, इनकी यहाँ से बल्दी होना चाहिए। यानी बल्दी होनी चाहिए, कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? कार्रवाई भी होना चाहिए इनके ऊपर। ये तो पूरा जंगल खा गए, अब कोठियाँ बना ली, मिलक में इनकी एक कोठी है, उसकी एक रामपुर में कोठी है, और डी एफ ओ इनसे लिंक रखता है पूरा। 30,000 का इनने बिल बनाए हैं, 30 लाख के। 30 लाख के? हाँ, बिल 30 लाख का काम दिखाए कहाँ करा इन लोग। 30 लाख के बिल जो बनाए, किस चीज़ के बनाए हैं ये? इसमें गड्ढा हो गया, खुदान हो गया, नर्सरी का भरान हो गया, ये इतने आइटम आते हैं, सारे आइटम के इन लोगों ने बिल बनाते हैं, खा जाते हैं ये लोग। तो नर्सरी और गड्ढा खुदान पूरा कर रहे नहीं किया? नर्सरी वो भी ढंग की नहीं है, 2-3 लाख भरान आया था मुसरमगंज में, तो उसमें 2 लाख भरान करवाया इन लोगों ने। नर्सरी बिल्कुल बेकार है, इस टाइम लगने का टाइम आ गया है, एक एक फुटकी भी नहीं है नर्सरी वाली भाई। तो इस समय योगी सरकार चल रही है, बीजेपी की सरकार है, तो इस समय योगी जी से या बीजेपी सरकार से आप क्या चाह रहे हैं? हमने मुख्यमंत्री को एक लेटर डाला है, 2 फेर डाल दिया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई इनकी। कार्रवाई कहाँ तक आपने की, किस किस को लिए की है? हमने डीएम को भी दी थी, और क्या कहते हैं, हमने डीओ को फोन करे थे, जंगल कटवाते मौके पर दिखाएंगे पेड़, तब भी नहीं आए थे ये लोग।